आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वायरलेस माइक के बारे में जो K8 यूनिवर्सल के नाम से है। कहते हैं कि ये आईफोन पे भी कनेक्ट होता है और बेहतरीन तरीके से टाइप सी पर भी सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आइए हकीकत जानते हैं इसकी और सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। एक माइक और रिसीवर के अलावा यहाँ पर आईफोन का एक कनेक्टर भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ की दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप सी का एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आप इसको जस्ट ऑन कीजिए तो इसकी जो रेड और ग्रीन कलर की जो बत्ती है ये देख रहे हैं, ये ग्रीन रेड हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी। और इस कनेक्टर के थ्रू ही हम आईफोन पे माइक को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। जब आप आईफोन से इसको कनेक्ट करेंगे ना अपने फ़ोन से, तो ये देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे ही आपने कनेक्ट किया इसको, अब ये जो माइक है ना ये ग्रीन जल रहा है कंटिन्यू, देख रहे हैं आप, वो इसकी जो ग्रीन वाली लाइट है वो कंटिन्यू हो चुकी है, यानी कि कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी इस माइक के थ्रू। बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसे ही मैं इस रिसीवर को डिस्कनेक्ट करता हूँ, देखिए फिर से ब्लिंक करना शुरू कर देती है, यानी ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ से लॉन्ग प्रेस कीजिए, वापस से पावर ऑफ हो जाएगा। 4 घंटे या 3 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है ऐसा क्लेम करती कंपनी। इसका इंडोर और आउटडोर दोनों सैंपल चेक करते हैं फटाफट से। अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये आईफोन से रिकॉर्ड हो रही है, मैंने इस माइक को भी डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये माइक मैंने हटा दिया। अब जरा इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ऑडियो में कितना डिफरेंस आपको सुनाई देता है। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये इस माइक के थ्रू सुन रहे हैं आप, तो मुझे बताइए कि इंडोर में अभी फ़ैन ऑन है रूम में, आसपास बाइक्स भी गुजर रही हैं तो वो भी सराउंडिंग का नॉइज़ है, तो पिछले वाले ऑडियो में और इसमें कितना डिफरेंस आपको नज़र आया। इस माइक को मैं अपने कूलर पर फिक्स कर लेता हूँ एक बार। ये लीजिए मैंने इसको अपने कूलर पर लगा लिया इस माइक को, और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ना वो इस माइक के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आया, नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, असली जो यूज़ है ना इसका वो बाहर है आउटडोर पे। एक बार आउटडोर पे चलते हैं और चेक करते हैं इसकी जो रेंज है वो भी टेस्ट करते हैं कि कितनी दूर जाने पर भी ये कनेक्टिविटी नहीं तोड़ेगा, वो भी पता चल जाएगा और इसकी आउटडोर की ऑडियो क्वालिटी भी चेक हो जाएगी। तो फटाफट से चलिए आउटडोर पे चलते हैं। अब जो आवाज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कम सुनाई दे रही होगी, तो एक बार से ये माइक कनेक्ट करते हैं, सेम डिस्टेंस पर रहूंगा, फिर आप डिफरेंस देखिएगा। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इस वायरलेस माइक के थ्रू सुन रहे हैं, आपको जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता है, इनबिल्ट इसकी क्वालिटी है, ठीक है, मैंने एक्सटर्नल कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं डाला इस पर। ऑडियो में जो है काफ़ी नॉइज़ रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कई बारी जो है आवाज़ भी थोड़ी सी, जो आवाज़ की जो रिचनेस है ना वो भी डाउन चली जाती है। अब वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं धीरे धीरे पीछे जाता जाऊँगा और डिस्टेंस जो है वो बढ़ाता रहूँगा, देखते हैं कहाँ तक इसकी ऑडियो कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है। और मैं पीछे जाता जाऊँगा लगभग 30 मीटर दूर चला जाऊँगा, कोशिश करूँगा चेक कर दे कहाँ पे वॉइस ब्रेक होती है। अभी भी मैं पीछे जाता जा रहा हूँ, तो आप सुन के बताइए इसमें कोई ब्रेक आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ, या मेरी ऑडियो अभी भी सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। फेस है ना मेरा अभी वो कैमरे की तरफ है, जो एंटीना है ना उसको प्रॉपर सिग्नल मिल रहे होंगे, वायरलेस सिग्नल। लगभग 40 या 50 मीटर की दूरी पर मैं आ चुका हूँ, 50 मीटर की दूरी पे मैं अपना फेस उस तरफ करता हूँ तोप की तरफ, पता नहीं अब आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, शायद कि आवाज़ ब्रेक हो रही हो, बट मैं वापस घूम जाता हूँ। अब मैं वापस नज़दीक आने की कोशिश करता हूँ और अब मुझे बताइएगा कि ऑडियो ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो कितने डिस्टेंस पे इसने वापस ऑडियो कैप्चर किया। चलता हुआ मैं नज़दीक आता जाऊँगा, मैं लगभग वापस 5 मीटर करीब आके इसके खड़ा हो चुका हूँ। तो आपने देखा कि इसकी जो रेंज है वो कितनी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने अभी ऑडियो सुना नहीं है, मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन की और मैं पीछे जाता जा रहा था, 50 मीटर दूर चला गया था, पता नहीं कितनी दूरी पे इसकी वॉइस ब्रेक हुई होगी, वो चीज़ आपको पता चल गई होगी। बट हाँ इसकी जो रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी देखो मैं 5 मीटर दूर हूँ, अगर मैं इधर घूम जाता हूँ ऐसे करके वीडियो बनाता हूँ, अगर चलते फिरते घूमते फिरते भी, तो काफ़ी बढ़िया ऑडियो सुनाई देगा। अगर माइक ना हो तो आवाज़ तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है, तो इसीलिए ये माइक ख़रीदा मैंने। ऑडियो की क्वालिटी वो आप बेहतर जानते हो कि कितनी अच्छी सुनाई दे रही है आपको, बट मैंने ये देखा कि इतनी कम बजट पर, मतलब ये मैंने कुछ 400-500 रुपए का ऑर्डर किया था, इतने कम बजट में अगर आपको ये बढ़िया ऑडियो क्वालिटी दे रहा है ना तो ये कहीं से कहीं तक बुरी चीज़ नहीं है, काफ़ी शानदार है। और एक दो सैंपल मैं ऑलरेडी इसके सुन चुका हूँ, बट अभी पता नहीं अभी किस तरह का सैंपल रिकॉर्ड हुआ होगा,
या रिकॉर्ड भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो वो चेक करते हैं। तो जस्ट अभी मैंने ऑडियो सैंपल चेक किया, मतलब मैंने 50 मीटर दूर आके चेहरा अपना अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया था, उसके बावजूद सिग्नल ब्रेक नहीं हुए। ये इस माइक की खासियत है, बहुत पसंद आया मेरे को, 100% ये टेस्ट में पास हो चुका है, वैल्यू फॉर मनी है, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इसकी ऑडियो क्वालिटी पसंद आई, क्योंकि यार क्या एक्सपेक्ट करते हो आप 500 रुपये के माइक से, अगर 50 मीटर दूरी पे भी आपकी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही तो इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, वर्थ इट है भाई। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी इस माइक को ऑर्डर करते हैं तो आईफोन का कनेक्टर ज़रूर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने ऑर्डर किया था K8 यूनिवर्सल के नाम से, उसमें टाइप सी से लाइटनिंग वाला कनेक्टर नहीं था, तो मैंने उसको फिर वापस रिफंड किया और ये वाला परचेज किया। तो आपने देखा लगभग मैं 50 फीट दूर चला गया था और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई। पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतनी दूर तक ये आवाज़ कैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट इसने किया, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी इसकी। इसकी खास बात ये है कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है ना वो बहुत तगड़ा है, कई बार ये आपकी खुद की जो वॉइस है ना उसको भी हल्का सा दबाता है, माइनर सा, बट चार्ज होने में इसको 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो टाइप सी पर थोड़ा दिक्कत आती है, ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसके थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, आईफोन में डायरेक्ट चल जाता है, तो आईफोन वालों के लिए तो बेस्ट है ये। इतनी कम प्राइस पर ये इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, मतलब मेरी नज़र में तो ये 100% पास है, बढ़िया माइक है, आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है ये माइक। अगर रील बनाते हैं आप, इस तरह के वीडियोस वगैरह बनाते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आप लोगों को कैसा लगा ये माइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।